मंत्री श्रम समन्वय एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ जनपद में आगमन। पीली जैन कॉलेज में श्रमिक हितों की विभिन्न योजनाओं में किया लाभान्वित। ममता बनर्जी के घायल होने पर बोले किस रूप में हुई ये जानने वाली बात। मुरादाबाद में पत्रकार मामले में कहा वहां की जनता ने खोली इनकी क्लिप। फिरोजाबाद मंत्री श्रम समन्वय एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन स्वामी प्रसाद मौर्य पीली जैन कॉलेज मैदान में पहुंचे और यहां उन्होंने उप सरकार की विभिन्न श्रमिक हितकारी योजनाओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। जहां उनका नगर विधायक मनीष असीजा, श्री कोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया, तो वहीं उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्रों को लाभान्वित भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के घायल होने के सवाल पर क्या कहना चाहेंगे पर कहा वहां उनकी सरकार और वही सुरक्षित नहीं तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी और दूसरा घायल किस रूप में हुई है ये भी जानना जरूरी है। बाकी जिस तरह से सब हुआ लगता है राजनीतिक कारण होगा क्योंकि उन्हें लग रहा है आगामी समय भाजपा का है। वहीं किसानों की समस्याओं पर भी बेबाक बोले। इसके बाद निरीक्षण भवन पहुंचे। मुरादाबाद के पत्रकार को अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पीटने के सवाल पर कहा मुरादाबाद की जनता ने उनकी क्लिक खो दी है। पूर्व में यही करते थे वही फिर किया उनके लिए कोई नया नहीं है। क्या नाम है आपका? हरवंश सिंह। हरवंश सिंह जी आपको ये मिला है किसके तहत मिला है क्यों? बच्चे को पढ़ाई की बच्चों ने पढ़ाई में टॉपर में आया है इसलिए मुझे श्रम विभाग से सूचना मिली थी कि पढ़ाई के लिए बच्चों का मेधावी छात्र पुरस्कार मिलने से मुझे आज ये लाभ मिला। किसने दिया है ये? श्रम विभाग से मिला है सर। कौन आए थे यहाँ देने को? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं उनके मंत्री जी। क्या मानते हैं सरकार सही काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है काम करते हैं बच्चों को पढ़ने। ममता बनर्जी घायल हो गई है कैसे देखती है भाजपा? अब चूंकि आपने पश्चिम आपने बंगाल का प्रश्न छाला है उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं। वो घायल हैं उनको चोट है भाई ये बताओ किसका? इस बात को सबको पीड़ा है लेकिन किस रूप में घायल हुई कैसे घायल हुई इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। और ये राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है स्वाभाविक घटना भी हो सकती है। वो जल्दी सोचते हैं इसकी मैं कामना करता हूँ। अगर उनका ये आरोप कि विरोधियों ने ऊपर हमला करवाया या कुछ अनजान चेहरों ने उन पर हमला किया तो सरकार उनकी है। वो अपने खुद कटघरे में खड़ा कर रही है कि जहां मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है उस बंगाल के लोग सुरक्षित कैसे होंगे। इसलिए आज क्योंकि वहां कमल खेलने जा रहा है तो ये घटना करवाया भी जा सकता है या किसी अन्य घटना से भी चोट लग सकती है जिसको राजनीतिक तूल देने का काम किया जा रहा हो। तो ये सब कुल मिलाकर के आज आसन्न पराजय का खतरा की छाया बोल रही है और जो वो अस्वस्थ हुई है वो भी इसी छाया का ही दुष्परिणाम। किसान मोर्चा बीजेपी को हराने के लिए